तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई बंधु। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ इजीएस्ट फ्यूल फार्म जो कि यार हमें अनलिमिटेड फ्यूल देगा। और ये जो फार्म है हमारे माइनक्राफ्ट के 1.19 वर्जन में काम करेगा, साथ साथ में ये पॉकेट एडिशन, जावा एडिशन एंड बेडरॉक एडिशन तीनों के अंदर वर्क करने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो गाइस यहाँ पे तो मैं इस वाले फार्म को बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो है कि भाई यहाँ पे दो तुम्हें चाहिए रेडस्टोन के ब्लॉक, 6 तुम्हें पावर रेड, 6 तुम्हें हॉपर, साथ में तुम्हें भाई तीनों में से कोई भी चलेगा, ब्लास्ट फर्नेस, फर्नेस या स्मोकर। फिर तुम्हें यहाँ चाहिए 64 बैम्बू, और यहाँ पे तुम्हें चाहिए 5 पिस्टन, 5 ऑब्जर्वर, 5 भाई रेडस्टोन डस्ट, 64 कोई से ब्लॉक, 6 चेस्ट, 1 माइनकार्ट विद हॉपर, कुछ ग्लास और कुछ डर्ट। तो भाई ये सामान तुम्हें चाहिए होगा, और इनमें से भी सारा सामान यूज़ नहीं होने वाला है। साथ साथ में तुम लोग चाहो तो भाई ब्लास्ट फर्नेस, फर्नेस और स्मोकर की जगह तीनों के तीनों ब्लास्ट फर्नेस ले सकते हो, या फिर तीनों के तीनों फर्नेस भी ले सकते हो, क्योंकि ये वहाँ हमारा एज ए स्मेल्टर भी काम करने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। तो लेट्स गो, फटाफट से बनाते हैं इसे, और ये बहुत सारा ईजी है तो देखते रहो। तो भाई सारा सामान कलेक्ट करते ही तुम्हें जो एक पर्टिकुलर एरिया पे आना है जहाँ पर तुम अपना ये फार्म बनाने वाले हो। और तुम्हें जो है सिंपली यहाँ पे जो है पहले एक काम स्टार्ट करना होगा, जो कि है भाई फर्नेस लगाना स्टार्ट करना होगा। और यहाँ जो है मैं तीनों टाइप की फर्नेस लेके आया हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं तीनों टाइप की लगा रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो तीनों की भी तीनों सेम भी ले सकते हो। फिर तुम्हें जो है इसके ऊपर में हॉपर को अटैच करना है इसके पीछे जाते हुए, और देखो कुछ इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे हॉपर को अटैच करना होगा एकदम क्राउच होते हुए, जैसे तुम्हारा इतना काम रेडी हो जाए। अब तुम्हें वापस से इसके सामने की तरफ जाना होगा, और यहाँ पे जो है तुम्हें इसके ऊपर लगाने होंगे चेस्ट। हाँ भाई, चेस्ट इससे लगा रहे ताकि भाई इसके अंदर सारा का सारा सामान जा सके। फिर इतना काम रेडी होते तुम्हें जो है इसको एक बार चेक कर लेना है कि सही से अटैच हुआ या फिर नहीं। जैसे इतना काम रेडी हो जाए फिर तुम्हें वापस से हॉपर लेने, और तुम्हें जो इन हॉपर को चेस्ट के ऊपर में प्लेस करना है एकदम क्राउच होते हुए, और एकदम सीधे तरीके से भाई प्लेस होंगे जैसे कि मैंने अभी करे हैं। और भाई फिर तुम्हें जो यहाँ पे लगाना है भाई दो रेडस्टोन ब्लॉक कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, और ये एकदम कॉर्नर में लगेंगे, वो भी हॉपर के कॉर्नर में। और यहाँ पे तुम्हें सेम टू सेम दूसरी साइड में भी करना होगा, और अभी तक एकदम सिंपल चल रहा है सब कुछ, तो भाई आई होप तुम्हें समझ आ भी रहा होगा। जैसे इतना काम रेडी हो जाए फिर तुम्हें अपने हाथ में लेनी है भाई पावर ड्रिल्स, क्योंकि भाई यहाँ पे जो पावर ड्रिल्स हैं उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल रहेगा इस वाले पूरे फार्म के अंदर में। तो सिंपली तुम्हें उन्हें ले लेना है, और यहाँ पे जो है तुम्हें उन्हें लगाना स्टार्ट करना है। लगाने के लिए तुम्हें यहाँ पे रेडस्टोन वाले ब्लॉक से स्टार्ट करो, और हॉपर के ऊपर से पास करते हुए दूसरे रेडस्टोन ब्लॉक पे आके इन्हें रोक दो, और ये जो तुम्हारा भाई पूरा रेल का सिस्टम है ये बन के रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब जैसे ही इतना काम रेडी हो जाए, अब यहाँ पे भाई बहुत ही ईजी स्टेप है, जो कि भाई मैं जानता हूँ सभी लोग जानते होंगे, बस तुम्हें यह मैं याद दिलाता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे करना क्या है। पहले यहाँ पे तुम्हें जो है एक फ्रेम टाइप बनाना है इस वाले फार्म के बगल में, जो कि भाई यहाँ पे जो है मैं 6-7 ब्लॉक की हाइट पे लेके जा रहा हूँ इन वाले ब्लॉक्स को, और सेम टू सेम तरीके से तुम्हें दूसरी तरफ भी करना होगा। और यहाँ पे भाई तुम लोग कितनी भी से हाइट पे लेके जा सकते हो, क्योंकि बाद में जाके तुम्हें इसे खुद ब खुद एक्सटेंड भी करना पड़ेगा। फिर तुम्हें यहाँ पे जो है भाई कुछ नहीं करना, यहाँ तुम्हें डर्ट के ब्लॉक लेने हैं, और भाई रेल के ऊपर का ब्लॉक छोड़ते हुए तुम्हें इस वाले ब्लॉक पे यहाँ पे डर्ट को लगाना स्टार्ट करना होगा। और ये जो है तुम्हें भाई सारे ही सारे मतलब ब्लॉक के ऊपर लगाना होगा, और ये कुछ इस टाइप का देखने में लगेगा। और भाई अभी तक जो हमारा फार्म है ये 80% बनके रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। भाई तुम्हें जो है सिंपली कुछ नहीं करना, तुम्हें इसके पीछे की तरफ आना है, और यहाँ पे जो है तुम्हें एक लाइन लगानी है यहाँ पे डीप स्लेट टाइल्स की। तुम्हें चाहो तो भाई यहाँ पे कॉबल स्टोन का भी यूज़ कर सकते हो डीप स्लेट टाइल्स की जगह, क्योंकि भाई वो भी सेम वर्क करेंगी। यहाँ पे डेकोरेशन के लिए यहाँ पे डीप स्लेट टाइल्स का यूज़ कर रहा हूँ। अब ये कुछ इस टाइप का देखने में लगेगा। जैसे इतना काम यहाँ पे रेडी हो जाए तो फिर तुम्हें यहाँ पे जो है लगाने भाई पिस्टन कुछ इस टाइप से, सिंपल पिस्टन लगाना। फिर तुम्हें जो है लगाने ऑब्जर्वर, और अगर तुम लोग आगे की तरफ से लगाओगे तो गलत लगेंगे, तो तुम्हें पीछे की तरफ जाके यहाँ पे लगाने होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ। और देखो अगर तुम लोग पीछे की तरफ से लगाओगे तो ये फ्रंट साइड में एकदम सीधे तरीके से लग गए होंगे। अब तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो है तुम्हें इसके पीछे ब्लॉक्स को लगाना स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पिस्टन के जस्ट पीछे लगेंगे। और यहाँ पे कुछ इस टाइप से तुम जैसे लगा दोगे, तुम लोग चौथे एक्सटेंड भी कर सकते हो, सिर्फ डेकोरेशन के लिए कह रहा हूँ मैं, ताकि इसकी लुक खराब ना हो जाए, बाकी तो 5 ब्लॉक भी हमारा काम हो जाता। फिर तुम्हें जो यहाँ पे रेडस्टोन डस्ट को लगाना है इन सारे ऑब्जर्वर के पीछे। और भाई जो जो फार्म्स बनाता है उसे ये मैकेनिक समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे इतना काम रेडी हो जाए, हमारा फार्म भाई 95% बनके रेडी हो चुका है। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, इस पूरे को कवर करना है ग्लास की मदद से। और भाई ग्लास से हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके हमें इसमें कई सारा सामान डालना है। और यहाँ देखो मैंने रेल कार्ट डाली, तो यहाँ पे ये इजीली चलनी भी स्टार्ट हो चुकी है खुद ब खुद, क्योंकि यहाँ पे सारी पावर रेल्स थी। अब तुम लोग इसे पूरा का पूरा कवर कर दो ग्लास की मदद से, जो कि मैं तुम्हें फटाफट से करके दिखा देता हूँ। और हाँ एक बात याद रखना, तुम्हें इसे जैसे मैं कवर कर रहा हूँ सेम वैसे उसी तरीके से कवर करना है, अदरवाइज ये वाला फार्म हो सकता है कि वर्क ना करे। तो प्लीज़ जैसे मैं कर रहा हूँ तुम लोग वैसे ही करना। अब इसको बीच में से कवर करने से पहले तुम्हें यहाँ पर जो है डर्ट के ऊपर लगा देना है बैम्बू, और भाई ये खुद ब खुद ग्रो होने लगेगा, और ये खुद ब खुद टूट के नीचे भी गिरने लगेगा, इसलिए हम इसे जो है पूरा कवर कर रहे हैं ताकि ज़मीन पे ना गिरे। और ये सारा का सारा बैम्बू हमारी चेस्ट से होते हुए
हमारे फर्नेस के अंदर में जाए। बस मैं इसलिए इसे पूरा का पूरा कवर कर रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा बचा है तो फटाफट से इसको हम लोग कवर करते हैं। और इसके बाद जो है तुम्हें भाई इसे ऊपर से भी पूरा ब्लॉक करना होगा, ताकि ये जो हमारा बैम्बू देखो ऊपर अटक जा रहा है ना, ये ऊपर ना अटकते हुए सारा का सारा चेस्ट के अंदर जाए और हमारा ज़रा सा भी बैम्बू यहाँ पे वेस्ट ना हो, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस वाले फार्म को भाई तुम लोग वर्क और यूज़ नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे बैम्बू ही नहीं आएगा चेस्ट के अंदर में। बाकी देखो इतना कवर हो चुका है, अब तुम्हें वापस से ऊपर की तरफ जाना है और इसको पूरा का पूरा ऊपर से कवर कर देना है। यहाँ मैं पहले एक ग्लास की लेयर एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ ताकि लुक अच्छा है, मैं लुक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। इसका तुम्हें यहाँ पे जो है इसे इजीली डीप स्लिट टाइल से पूरा का पूरा कवर कर देना है और ये एक टाइप का भाई मतलब ब्लॉक सा बन के रेडी हो जाएगा। फिर सिंपली तुम्हें जो है इसके ऊपर में भी यहाँ पे ब्लॉक लगाने होंगे, ताकि यहाँ पे जो बैम्बू है वो बाहर की तरफ ना निकल जाए। और यहाँ पे जैसे तुम लोग इसे पूरा ब्लॉक करोगे, तुम्हारा फार्म फुल्ली रेडी हो चुका है। अब भाई तुम लोग अब इसे इजीली यूज़ कर सकते हो, तो मैं तुम्हें फटाफट से इसे यूज़ करके दिखाता हूँ कि तुम्हें किस टाइप से यूज़ करना है और तुम्हें किस तरीके से यहाँ पे अनलिमिटेड फ्यूल मिलेगा और साथ साथ में स्मेल्टर का भी वर्क करेगा। तो यहाँ पे फटाफट से दिखाता हूँ मैं। यहाँ तुम लोग देख पा रहे हो तो पहले वाला बैम्बू है, यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा जितनी भी फर्नेस है उन सब के अंदर में यहाँ पर जो है भाई आ रखा है बैम्बू। तीसरी वाली के अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि भाई पहले जब तक ये दोनों फर्नेस यहाँ पर नहीं भर जाएंगी, तीसरी वाली के अंदर बैम्बू आना स्टार्ट नहीं होगा। और भाई अब तुम लोग इजीली भाई इस बैम्बू की मदद से कुछ भी चीज़ स्मेल्ट कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे मैं फटाफट से जो है ब्लास्ट फर्नेस में डाल देता हूँ आयरन और यहाँ पे जो स्मोकर है इसमें डाल देता हूँ भाई मैं बी। अब इसको हम लोग कुक होने के लिए लगा देते हैं और तुम लोग देख पा रहे हो कि इजीली यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे बैम्बू की कमी कभी नहीं होगी, जिसका मतलब यहाँ पे फ्यूल की कमी कभी नहीं होगी और यहाँ पे जो है कि सारा सामान खुद को स्मेल्ट भी होता रहेगा। तो भाई ये था हमारा आज का अनलिमिटेड भाई स्मेल्टर कह सकते हो या फिर अनलिमिटेड फ्यूल फार्म भी तुम लोग कह सकते हो। अब तुम लोग चाहो तो भाई स्मेल्टर के नीचे भी कलेक्टिंग सिस्टम बना सकते हो अपने अनुसार अगर तुम्हारा मन है तो, ताकि तुम्हारा सारा कुक्ड फूड और जितने भी आयरन इंगट है वो सारे के सारे तुम्हारे चेस्ट के अंदर में है। तो गाइस आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टा और ट्विटर पर जाकर फॉलो नहीं करके रखा है तो कर दो। और बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ।